हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग विथ नीरज। गाइस, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने पुणे स्टेशन से ट्रेन लेकर मैं गया वास्को डिगामा के लिए। फिर मैंने वास्को स्टैंड से मैंने बस लिया था पंजीम स्टैंड के लिए। गाइस, इस वीडियो में मैं पंजीम स्टैंड से जाऊँगा दोनापोला बीच, उसके बाद जाऊँगा ओल्ड गोवा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, अब मैं पंजीम स्टैंड से जा रहा हूँ दोनापोला बीच। ये स्टैंड है, यहाँ पे उतारा है बस हमें और इस तरफ है बीच। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं दोनापोला बीच स्टैंड से। यहाँ आने का फेयर है 20 रुपीज। सारे बॉलीवुड मूवी में लोकेशन देखे होंगे ये, लाइक गोलमाल 3, सिंघम। तो हम वही उसी लोकेशन पर जा रहे हैं अभी। फाइनली हम पहुँच चुके हैं दोनापोला बीच। आइए आपको दिखाते हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है गाइस, इसलिए काफ़ी शांत लोकेशन लग रहा है ये। भाई साहब, ऑसम ऑसम, खतरनाक वाला सीन है यहाँ पे। अभी अर्ली मॉर्निंग है तो ये सब अभी बंद है। ये देखिए, इधर देखिए, इधर शॉप्स लगे हुए हैं, मार्केट। भाई साहब, वो देखिए उधर, कहते हैं कश्मीर जन्नत है, गोवा आके कभी देखो, ये भी कुछ कम नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये अभी बंद है। देखिए नया नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। ये लोकेशन आप अक्सर बॉलीवुड मूवी में देखे होंगे, ये बंद है। अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। सिंघम मूवी में यहाँ पे पुल था, अभी तक बंद इसी लोकेशन पे, बट अभी आले रे आला सिंह माला। दोस्तों, यह जगह पर्यटकों के लिए लवर्स पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पीछे स्टोरी ये है कि दोनापोला जो पुर्तगाल शासनकाल में जो वायसराय था उनकी बेटी थी, और उन्होंने मछुआरे से शादी करने की इच्छा जताई और इच्छा पूरी ना होने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो गाइस, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब जाएंगे स्टैंड, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। रेनफॉल स्टार्ट। थैंक गॉड कि मैं अम्ब्रेला लेके आया था। फिर से वही स्टैंड आ गए, फिर वही बस लगी हुई है, अब इसी से जाएंगे पंजीम। बैठ चुके हैं अभी, ये बस जाएगी पंजीम। दोस्तों, गोवा हमारे देश के आज़ादी के बाद भी आज़ाद नहीं हुआ था, ये पुर्तगाल के अंडर में था और 1961 में इसे आज़ादी मिली। गोवा अपने बीचेस के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ पे हर जगह के लोग आते हैं, और एवरी यूथ इंडियन का ये ड्रीम है यहाँ आना। मैं हूँ अभी गोवा की राजधानी पंजीम सिटी में। तो गाइज, हम यहाँ पे आ चुके हैं ओल्ड लेडी चर्च के पास, ऊपर में जा रहे हैं। दोस्तों, ये वाला चर्च आपने बहुत सारे बॉलीवुड मूवी में देखे होंगे, लाइक मुझसे शादी करोगी, और मलंग मूवी में जो सॉन्ग है रहूं मैं मलंग मलंग, उसमें भी दिखाया गया है।
व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है इस चर्च का। अभी जो लोकेशन पे है इसी लोकेशन पे मलंग सॉन्ग की शूटिंग हुई थी, इसी लोकेशन पे आपने देखा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से निकल रहे हैं, अब यहाँ से जाएंगे स्टैंड, वहाँ से बस। अब मैं आ चुका हूँ पंजिम से ओल्ड गोवा। फ्रेंड मैं ऐसा लोकेशन पे हूँ अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है गोवा का। ये लोकेशन एक ओल्ड चर्च है, बेसिलिका बॉम जैसा इसका नाम है। आपको यहाँ आने के लिए ओल्ड गोवा आना पड़ेगा। तो ये रहा सामने चर्च, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। वाकई इसका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है, आइए आगे देखते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात ही अलग होती है गाइस। गोवा का काफी पुराना और फेमस चर्च है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कम टू मी। फ्रेंड्स हम इसके अंदर जा रहे हैं, अंदर में आई थिंक अलाउ नहीं है वीडियो शूट। एक चर्च इधर भी है कोई, उधर भी जाएंगे अभी, पहले इसको देखते हैं। दोस्तों इस चर्च का निर्माण 1594 में हुआ था। तो ये चर्च पंजीम से 10 किलोमीटर की दूरी पर बेगिनिनी नामक स्थान पर है। इसे ओल्ड चर्च भी कहा जाता है। इस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के अवशेषों को रखा गया है। उनके अवशेषों को 400 साल वर्ष से यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों भारत के फेमस चर्चों में से एक चर्च है ये, जो कि काफ़ी सम्मानित है और वर्ल्ड के हर ईसाई इसको मानते हैं। बॉम जीसस का मतलब हुआ अच्छा जीसस या शिशु जीसस। अगर आप लोग गाइस गोवा आते हैं तो यहाँ 100% आइए, बहुत अच्छा लोकेशन है और आपको यहाँ पे अच्छा फील होगा। बिल्कुल शांति है और हरियाली भी दिख रहा है सामने। और इसी के आगे गाइस है मुख्य द्वार और वहाँ से हम एंट्री लेंगे, बट अंदर में अलाउ नहीं है वीडियो शूट, इसलिए फिर मिलते हैं निकलने के बाद। ये जब आप निकलोगे बाहर तो ऐसा दिखेगा आपको। इधर से गाइज एंट्री है और इधर से निकलने का गेस्ट है। बॉम जेसिका चर्च से निकलकर अब इस साइड आ गए हैं। ये सामने है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आइए आपको दिखाता हूँ 360 व्यू यहाँ का। अभी यहाँ से निकल रहे हैं स्टैंड ओल्ड गोवा।
अब हम निकल रहे हैं यहाँ से कलंगुट बीच, ये बस जाएगी।